जी तो नाजरीन देख रहे हैं, अब हमारा इनक्यूबेटर तैयार हो गया है। इसमें दो डीसी 12 वोल्ट के बल्ब यूज़ किए गए हैं, दो छोटे फ़ैन लगाए गए हैं डीसी 12 वोल्ट के। इसी तरह ये बाहर की साइड पे एक हमने थर्मोस्टेट यूज़ किया है, इसका सेंसर अंदर है। यहाँ सामने हम कोई भी एग रख सकते हैं, बटेर के रख लें या मुर्गी के रख लें, हम यहाँ पे बटेर के एग यूज़ करेंगे। ये मेरे पास कुछ बटेर के अंडे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। माशाल्लाह जी नाज़रीन, हमने इनको अंडों को इनमें शिफ्ट कर दिया है। ये सेंसर जो है इसको मैं इनके दरमियान में रखूँगा ताकि टेम्परेचर के मुताबिक ये खुद ही ऑन ऑफ हो जाए। अब इसके अंदर हम किसी बर्तन में पानी रखेंगे ह्यूमिडिटी के लिए। अगर एक बर्तन हो फिर भी काफ़ी है, दो हो जाए तो फिर भी ठीक है। ये मैं दो रख रहा हूँ, दो बर्तन मैंने रख दिए इसमें। ये अब आपके सामने मेरा इंक्यूबेटर तैयार है, आप देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट। अब मैं इसको ऑन करूँगा, ये ढक्कन इसके ऊपर रखने लगा। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये देखें जी, टेम्परेचर के मुताबिक जो है ये ऑन हो गया है। टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ जी नाज़रीन, देख रहे हैं आप ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बल्ब इसके अंदर ऑन है, टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है। जी नाज़रीन देखें, लाइट्स ऑफ हो गई हैं अंदर की, अंदर की लाइट ऑफ हो गई है। और ये 37.9, 38, ये मिनिमम इसका 36 टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 36 पे जब दोबारा वापस जाएगा ये, दोबारा लाइट्स इसके ऑन हो जाएंगी अंदर की। 36 पे टेम्परेचर आएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा कुछ दोबारा ऑन हो जाएगा। अब ये यूँ ही चलता रहेगा और 17 दिन के बाद हमें इसका रिज़ल्ट जो है मालूम होगा। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हर 3 घंटे के बाद, अगर मुमकिन हो सके तो 3 घंटे के बाद, या 3 से ज़्यादा अगर 6 घंटे के बाद, यानी दिन में तकरीबन 3 मरतबा, या अगर 3 मरतबा ना हो सके तो 2 मरतबा कम से कम जो है ना इन अंडों को ज़रूर शेक करना है, हिलाना है, इनके डायरेक्शन चेंज कर देनी है ऐसे करके। इसको याद रखना है आपने कि इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है आपने, यानी कमरे के अंदर रखना है, धूप में नहीं रखना, बाहर कहीं नहीं रखना, ठंडी जगह पर रखना है। जी नाजरीन, आज इनक्यूबेटर में अंडे रखे पूरे 9 दिन हो गए हैं, यानी 15 तारीख को मैंने अंडे रखे थे और आज 23 तारीख है। इसमें मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इसमें मैंने कुछ अंडे मज़ीद रखे थे। अब यहाँ पे अंडों की तादाद जो है वो 70 है टोटल। इनको डेली तकरीबन एक दिन में 3 या 4 मरतबा हम इसको टर्न करते हैं अंडों को, यानी इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। क्योंकि इसमें एग टर्नर नहीं लगाया मैंने अभी, इसलिए इसको हाथ से ही करना पड़ता है। देखें इसके मैं अंडे सारे टर्न कर रहा हूँ और डेली 3 दफ़ा ये करना पड़ता है मुझे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इसमें इसका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर कंट्रोलर पर मैंने 37.5 सेट किया है। जब 37.5 इसका टेम्परेचर होगा अंदर इंटरनल, तो ये खुद ही इसकी लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाएंगी। देखें ज़रा, अभी 37.4 है, ये देखें लाइट ऑफ होगी अंदर की, ठीक है ना। अब ये टेम्परेचर जब 37.5 से डिक्रीज होकर नीचे आएगा 37.3, इसका डिफरेंस मैंने 2 रखा है, जब ये 37.3 पे आएगा 37.3, तो इसका मतलब ये है कि इसकी लाइट दोबारा ऑन हो जाएगी। यानी इसको मैंने ये प्रोग्रामिंग ये दी है कि डिफरेंस इसका 2 है, 37.5 पे इसकी लाइट ऑफ होनी है, और जब 37.3 होगा यानी 2 पॉइंट नीचे इसका टेम्परेचर इंटरनल आएगा, तो उसके बाद इसकी लाइट्स जो हैं वो दोबारा ऑन हो जाएंगी। ठीक जी नाजरीन, आज 14वां दिन है इसके अंदर इंक्यूबेटर में अंडे रखे हुए, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जी 14वां दिन है, माशाल्लाह इसको
दिन में कम से कम 3 मरतबा या 4 मरतबा, या अगर इससे भी ज़्यादा हो सके तो आप इसको टर्न कर सकते हैं अंडों को। 14वां दिन है आज, इंशाल्लाह 3 दिन के बाद ये अंडे हैच होना शुरू हो जाएंगे और इसमें से छोटे छोटे बटेर क्वेल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 17वां दिन है और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी अंडे हैच हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे बटेर के आपको सामने फिरते नज़र आ रहे हैं। ये इसके अंदर मैंने पानी की बोतल रखी है, फीड रखी है इस साइड पे, थोड़ी सी फीड मैंने कपड़े पे भी डाली है ताकि छोटे छोटे बच्चे खुद ही खा लें। ये देखें जी, छोटे छोटे बच्चे बटेर के आपको सामने फिरते नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने इनमें जान डाली, अंडों के अंदर बच्चे पैदा किए हैं, खुदा की शान है। 17 दिन हमने इंतज़ार किया है और 17 दिन बाद अंडे हैच होना शुरू हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे अंडों से निकल के बाहर खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, देखें, ये मैं करीब से दिखा रहा हूँ कैसे खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये देखें, इन बच्चों को अब मैं ब्रॉडर में शिफ्ट करूंगा। ये इनका ब्रॉडर भी मैंने तैयार कर लिया है और इन बच्चों को उस ब्रॉडर में शिफ्ट करूंगा और उसमें जो जो बच्चे इसमें से निकलते जाएंगे अंडों में से, उनको मैं ब्रॉडर में शिफ्ट करता रहूंगा। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।